बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और दुनिया व आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज का भी लोग करते हैं जी शुरू। अचार के लिए आम काट रहा हूँ, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये मैंने आम काट लिए हैं, तो अब इसकी ये जो गुठलियाँ हैं ये निकालने वाली हैं। ये निकाल लेंगे घर वाले खुद ही, बस मेरा काम था काटने का, वो मैंने काट ली हैं। आज के दिन के काम काफ़ी हैं, बस एक दवाई है वो कल से भिगो के रखी हुई है पानी में, उसका शरबत बनाना है, तो वो भी आज तैयार करना है। इसके बाद नाश्ता है, नाश्ते के बाद ही वो शुरू करूँगा क्योंकि उस पर टाइम काफ़ी लगता है बनाने में, तो वो भी आप दोस्तों में दिखाएंगे क्या काम कर रहे हैं। ये वो पानी है जो मैंने बूटी भिगो के रखी हुई थी, बूटी तो मैंने हाथ से निचोड़ दी है, बाकी अब ये पानी है इसको मैं कपड़ा छान करूँगा, फिर इसका शरबत बनाएंगे। ये मैदे और जिगर के प्रॉब्लम के लिए है, उसकी सलाह करने के लिए शरबत तैयार कर रहा हूँ, तो अभी मैं इसको कपड़ा छान करता हूँ फिर बनाएँगे, तो टाइम काफ़ी लगेगा। ये मैंने कपड़ा छान करके चीनी डाल के पकने के लिए रख दिया, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ, अगर किसी भाई को ज़रूरत हो इसके नुस्खे की तो मैं उसको शेयर कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। बहुत ही आसान है बनाने में, कुछ जड़ी बूटियाँ जिनको पानी में भिगो के ये शरबत तैयार कर रहा हूँ। मैदे के लिए और जिगर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये। शरबत हमारा तैयार हो चुका, तकरीबन पौना घंटा लगा, तो बहुत ज़बरदस्त तैयार हुआ है, माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त तैयार हुआ है। अब इसको ठंडा होने के लिए रख रहे हैं, ठंडा होगा तो फिर किसी चीज़ में डालेंगे हम इसको। असर की नमाज़ पढ़ के अभी निकले हैं अब्बा जी के साथ, कुछ किसी के डेरे पे आए हैं और एक भैंस देखनी है, कुछ भैंस लेने का इरादा नहीं का, तो वो देखने के लिए निकले हैं। कुछ टाइम लगेगा, फिर हमने अपने पुराने डेरे पे जाना है जहाँ पहले जाते हैं। हम उधर गए तो थे भैंस को देखने, लेकिन वो वारे में नहीं है, अभी हमें दूध की ज़रूरत है जिसकी वजह से हम जानवर देख रहे हैं, तो वो अभी टाइम लेगी सोने में, तो इसलिए वो हमारे काम की नहीं है अभी, इसीलिए वापस आ गए। तो अभी हम अपनी जगह पे आए हैं जहाँ हमारी ज़मीन है। मौसम आज बहुत मज़े का है, बताया आज बारिश होगी, अल्लाह करे हो जाए, क्यों तकरीबन एक हफ्ते से जो हमारा इधर का दर्जा हरारत है 47 पे 48 के एड गेट चल रहा है, बहुत गर्मी है, घर में तो बैठा नहीं जाता है कि माशाल्लाह हवा चल रही है। और इधर देखें, ये देखें माशाल्लाह काफ़ी मज़े का मौसम, बादल हो रहे हैं, तो आज शाम बारिश का बताया, हो जाए तो बहुत मज़ा आएगा। ये देखें गर्मी बहुत है, जो बर्दाश्त से बाहर है। ये देखें गर्मी की वजह से बहुत दाने निकल रहे हैं, क्यों गर्मी जब ये मौसम आता है तो बाल बड़े हैं, जिसकी वजह से मेरे ये जो माथा है ये दानों से भर जाता है। हर गर्मी में ऐसा होता है, तकरीबन ये पिछली गर्मी से मैंने बाल रखे हुए हैं, तो पिछली गर्मी में मैं पहले नहीं ऐसे होता था, बस ये जब से बाल रखे हुए हैं इसकी वजह से ये दाने निकलते हैं माथे पे, बहुत तंगी होती है क्योंकि इनमें जलन भी होती है, जब कोई कपड़ा वगैरह लग जाए, पसीना वगैरह साफ़ करते हुए कोई कपड़ा वगैरह लग जाए ना तो बहुत जलन होती है, तो बस ये शौक़ है, इनको कुछ नहीं कह सकता हूँ, ये बर्दाश्त कर सकता हूँ। दवाई वगैरह लगाता हूँ अपनी खुद की बना के, वो इस्तेमाल करता हूँ। तो अभी कुछ अपने वो जो पौधे लगाए थे उनको दोबारा देखने चलते हैं। आजा जी साहब, जो इधर पौधे लगाए थे उनकी तो चांस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ वो एक पौधा है जो हुआ है, वो देखें
तो आगे कोई चांस नहीं है इधर पौधे होने का। तो वो जो उधर लगाए हैं ना, वो तो उस वक्त भी हो चुके थे, तो अभी दोबारा चलते हैं उस तरफ। तो अब क्या सूरत हाल है ये देखें, ये पौधे तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत खड़े हैं। ये देखें, ये बेलें काफ़ी बड़ी हो रही हैं और ये भी काफ़ी बड़े हो रहे हैं। ये देखें, ये देखें, ये फूल भी लग चुके हैं छोटे छोटे से। ये देखें, ये छोटे छोटे से फूल लगे हुए हैं। ये देखें, ये भी माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत हुए हैं। तो हवा बड़ी मज़े की चल रही है, सुबह से जो गर्मी बर्दाश्त की है हमने, अब कुछ सुकून हुआ है। ये देखें, बहुत ठंडी भी है और मज़े की भी है। यहाँ कल मेहमान आए थे, वो भी बहुत कह रहे थे कि गर्मी इधर बहुत ज़्यादा है, नहीं बर्दाश्त होती है। मुल्तान का एरिया है और मुल्तान की गर्मी बहुत ज़्यादा मशहूर है, आप दोस्त जानते होंगे। आज मेरा मूड भी था ट्यूबवेल पे नहाने का, तकरीबन 3 दिन से प्रोग्राम बना रहा हूँ कि नहाना है ट्यूबवेल पे, लेकिन कुछ गर्मी की वजह से दिल करता है कि ठंडा पानी हो नहाने को और ज़्यादा मिकदार में हो, क्यों घर वाला पानी थोड़ा सा होता है, वो मज़ा नहीं आता जो ट्यूबवेल पे आता है। और आए हैं इधर, लेकिन किस्मत के ट्यूबवेल कोई भी नहीं चल रहा है, जितने भी आसपास ट्यूबवेल हैं वो सब बंद हैं। तो वैसे ही जब बाहर निकले हैं तो हवा की वजह से वो जो जहन था वो तब्दील हो चुका है, नहाने को दिल ही नहीं कर रहा, क्यों हवा ठंडी चल रही है। ये अंधेरी चल पड़ी है, बहुत ही ज़बरदस्त हो चुका है मौसम, अंधेरी काफ़ी चल रही है। ये देखें, मिट्टी भी काफ़ी आ रही है। ये देखें, इधर से गर्दोगुबार का माहौल हो रहा है काफ़ी। तो अभी हम सिर्फ घर जाने की तैयारी में हैं, बस अब वापस निकलेंगे इधर से। अब्बा जी थोड़ा सा वो उधर गए हुए हैं, वो आ रहे हैं, तो उनको साथ लेके बस वापस चलते हैं। अभी हम इशा की नमाज़ पढ़ के अभी आया हूँ, तकरीबन 9:30 हुए हैं। बारिश का काफ़ी इंतज़ार किया, नहीं हुई है, बादल कभी आते हैं चले जाते हैं। तो आज की वीडियो को हम इधर ही ख़त्म करते हैं, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और शुरू में नाम है। और अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त और बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।